हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। आप देख रहे हो गढ़वाली किचन रेसिपी विद रेनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको समोसे बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए ये समोसे कैसे बनते हैं, इसके लिए सामग्री क्या-क्या लगती है। तो चलिए हम बनाते हैं समोसे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक प्लेट ले लिया समोसे के लिए और इसमें हमने 2 बाउल मैदा डाल दिया है। इसी बाउल से हमने सारा मैनेजमेंट कर रखा है। और ये हमने नमक ले रखा है, ये हमने ऑयल ले रखा है, ये पानी ले रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर नमक और इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, इसकी जगह में आप घी भी ले सकते हैं। ये देखिए 4 चम्मच हमने डाल दिया है। अब हम इसको मिला लेंगे और इसमें हम थोड़ा क्रश करके अजवाइन डाल देंगे। ये देखिए हमने हाथ में थोड़ा सा हथेली में अजवाइन ले लिया है और दोनों हथेलियों से ऐसे आप क्रश करके इसमें अजवाइन डाल दीजिए और इसको सबको मिक्स करके, चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और इसमें पानी डाल के धीरे धीरे करके एक टाइट डो लगाना है हमको। ये देखिए पानी धीरे धीरे डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा पानी। ये देखिए एकदम टाइट आटा गूंथना है आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो लग गया है। अब हम इसको 15 मिनट रेस्ट करने देंगे। ये देखिए पास लाके दिखा रहे हैं, एकदम ऐसा आपको डो लगाना है, ढीला नहीं लगाना है। अगर ढीला लगाओगे तो आपके जो समोसे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम कर लेंगे मसाले फिलिंग की तैयारी, मसाले की और फिलिंग की पूरी तैयारी। तो चलिए देख लीजिए आगे का प्रोसेस। ये देखिए ये हमने ले लिया है फिलिंग के लिए, ये खड़े मसाले हैं। इसमें जीरा है, खड़ा धनिया है, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, सरसों है और जीरा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये नमक, ये मिर्ची, ये हल्दी, ये धनिया पाउडर, ये मैंने कस्तूरी मेथी ले ली है, गरम मसाला और ये जीरा पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ले लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ये ले लिए मैंने पनीर के टुकड़े, ये ले रखा मैंने बारीक कटा हुआ ऑनियन, ये मैंने काजू ले रखे हैं, ये मैंने किशमिश ले रखे हैं, ये मैंने हरी मिर्ची और ये देखिए आलू, ये हरी मिर्ची। अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चढ़ाते हैं गैस में एक पैन, चलिए ये देखिए, और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच के बराबर ऑयल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नॉन स्टिक का, इसके 2 ही वॉश में कलर उतर गया फ्रेंड्स, तो इसको नोटिस मत कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। ये देखिए हमने सारा खड़ा मसाला डाल दिया है और ये जब भुन जाएगा ये खड़ा मसाला तो इसमें से आवाज आने लग जाएगी। फिर हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, फिर डाल देंगे हम इसमें अपना कटा हुआ हुआ ऑनियन, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे। जब ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा, एकदम हल्का सा कलर चेंज कर लेगा, तो हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले, सूखे मसाले सारे हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सारे मैंने खड़े मसाले डाल दिए, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ इन खड़े मसालों में मैंने क्या क्या यूज़ किया है। सॉरी, खड़े मसाले नहीं, सूखे मसाले, खड़े मसाले तो हमने पहले डाल दिए थे। ये देखिए इनको अच्छे से रोस्ट करना है और इसके बाद हम इसमें अपने आलू डाल देंगे मैश किए हुए। ये देखिए आलू हम डाल देंगे, ये देखिए हम अच्छे से इनको मिला देंगे ताकि हमारा मसाला आलू के अंदर तक चला जाए। और इसमें हल्की सी
खुशबू भी आने लग जाए। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारी फिलिंग बनके एकदम रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कैमरे के पास लाके दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फिलिंग एकदम रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए आगे का प्रोसेस। हमारा आटा अब तैयार है। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, तो हम अब इसको हटा देते हैं। और ये देखिए, हम इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। हाथ में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लीजिए और इसको मसल लीजिए एकदम ऐसे। बहुत टाइट है ये। ये देखिए बस समोसे बनाने में ये आटा लगाना ही मेहनत का काम है। तो देखिए लग गया है, अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए बन गई हमारी लोइयां। अब हम क्या करेंगे, इसको हथेली से टाइट दबा दबा के एकदम गोल बनाएंगे और सूखा आटे की सहायता से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको हमें गोल शेप में नहीं बेलना है, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे नहीं बेलना है। हमको इसको थोड़ा सा हल्का सा लंबा बेलना है ताकि आपके समोसे का जो शेप है एकदम क्लियर आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमको इसे लंबा बेलना है थोड़ा सा। ये देखिए एक ही साइड में बेलना है। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आपकी थोड़ा सा इसकी शेप लंबी है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखेंगे, बीच में ऐसे लाइन सी बन जाती है, फिर हम इसको काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऐसे ही सारी रोटियां बेल के तैयार कर लेते हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए, और ऐसे ही हम सारी रोटियां बना के तैयार कर देंगे। फिर बताते हैं हम आगे का प्रोसेस। ये देखिए सारी रोटी बन के तैयार हो गई है। अब हाथ में हम ऐसे ये लेंगे और एक उंगली की सहायता से ये देखिए पानी लगाएंगे यहाँ पे, और आप मोड़ के देख लीजिए दोनों तरफ बराबर होगा। ऐसे एक तरफ से मोड़ेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे हम अंगूठा लगा देंगे और इसको इस कोने से चिपका देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको एकदम दबा दबा के चिपकाइएगा ताकि ये खुले ना, नहीं तो तेल में जाके समोसे अक्सर खुल जाते हैं और फिर उनके अंदर ऑयल भर जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से करिए ये काम एकदम पेशेंस के साथ। ये देखिए, और आप इसमें आप हाथ की मदद से या चम्मच से आप फिलिंग भर लीजिए। ये देखिए अच्छे से नीचे तक फिलिंग भर लीजिए। और अब हम इसमें डाल रहे पनीर के क्यूब्स। आप चाहो तो काजू किशमिश ऐसे ही डाल सकते हो, और आप चाहो तो रोस्ट करके डाल सकते हो मसाले के साथ ही, जैसे कि हमने किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हल्का सा मोड़ के और ऐसे बीच सेंटर में यूं चिपका दो। ये देखिए, पानी का हाथ लगाना है आपको यहाँ पे भी अंदर की साइड को, और ऐसे चिपका देना है। ये देखिए ऐसे, और ये हथेली से भी ऐसे करके चिपका देना है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके समोसे की शेप कितनी अच्छी आई है। ये देखिए, आप जब इसको बनाओगे, ये देखिए कोई बता ही नहीं सकता कि ये घर पे बना हुआ है। और खाने में तो इसका टेस्ट इतना रहता है कि बाजार के टेस्ट से डबल। ये देखिए, अब ऑयल हमने चढ़ा दी कढ़ाई, और ऑयल हल्का सा गर्म करना है, और हल्के से गर्म में ही ये समोसे डालने, ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर ज़्यादा गर्म करोगे तो आपके समोसे का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, मीडियम आंच में आपको ये समोसे तलने हैं, ध्यान से डालिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने सारे समोसे डाल दिए हैं तेल में। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और ये देखिए बन गए हमारे समोसे एकदम रेडी, इतने क्रिस्पी है फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, ये देखिए, और गर्म भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास लाके दिखा रही हूँ और ऐसे उंगली से मार के दिखा रही हूँ। देखिए बहुत क्रिस्पी है, आवाज़ आ रही है। ये देखिए आपके समोसे, गर्मा गर्म समोसे तैयार है। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और खिलाइए।
और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।